सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बातचीत करते हैं कि आखिरकार क्यों लुधियाना में शिक्षकों ने प्रदर्शन किया और वो भी हजारों की तादाद में। पंजाब के शिक्षकों ने प्रशासन के आश्वासन के बाद धरना खत्म कर दिया है। अब शिक्षकों का एक प्रतिनिधि मंडल 2 अप्रैल को पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात करेगा। पंजाब के करीब 25,000 शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर लुधियाना जालंधर हाईवे पर धरना प्रदर्शन किया। शिक्षक सरकार की नई शिक्षा नीति से नाराज है और सरकार पर मांगे पूरी नहीं करने के आरोप लगा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। तस्वीरें लुधियाना की हैं, जहां पर स्कूल की क्लास में बच्चों को शिक्षा देने वाले शिक्षक सड़कों पर दिखाई दिए। हजारों की तादाद में पंजाब सरकारी टीचर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान स्थिति उस वक्त नियंत्रण से बाहर होती दिखी जब टीचर्स ने हाईवे जाम करने की कोशिश की। इसके बाद जाम खुलवाने के लिए पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा। सरकारी टीचर्स पंजाब सरकार के उस फैसले का विरोध कर रहे हैं जिसमें उन्हें रेगुलर तो किया जा रहा है लेकिन इसके लिए उनके वेतन में बड़ी कटौती की जा रही है। जो टीचर कंट्रैक्ट बेस से आ ठेके से आ सोसाइटी से आ जो 40,000-50,000 30,000 तनखा ले रहे हैं उन्होंने कहते रेगुलर करा सिर्फ 10,300 देवे 3 साल लिए जिहड़ा कदी संभव ही नहीं क्योंकि जिहड़ा परिवार एक अपना गुजारा कर रहा 30,000 से वो अज नूं 10,000 दोगे वह खुदकशी करेगा कि जीवेगा। दूजी गल ये फैसला कर रहे रैशनलाइजेशन करनी आ टीचर तो जिहड़े विद्यार्थी आ इहदी रेशो घटा रहे आ उहदे नाल 8,000 पोस्ट टीचरां दी खत्म हो रही आ और टीचरां दी पोस्ट खत्म करन वल सरकार दा ध्यान आ ना कि एजुकेशन नूं चंगा करना। तीजा फैसला उन्हों का बदली जिहड़ा भी 7 साल टीचर एक स्कूल च हो गया उन्हों बदलना ही बदलना है क्यों कड़ी गलों ये बिल्कुल गलत इदा के फैसले ये डिक्टेटरशिप वाले फैसले सानू मंजूर नहीं। लुधियाना में प्रदेश भर से इकट्ठे हुए शिक्षक सीएम से मिलने का वक्त भी मांग रहे थे। प्रशासन को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि टीचर्स इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठे हो जाएंगे। प्रशासन को भी इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठे हुए शिक्षकों को संभालने में परेशानी का सामना करना पड़ा। जाम लगने से लोगों को भी काफी परेशानी हुई। आखिरकार ये प्रदर्शन उस वक्त खत्म हुआ जब प्रशासन ने टीचर्स को सीएम से मुलाकात के वक्त मिलने की जानकारी दी। सामने उत्थे गल की है जी चंडीगढ़ 2 तरीक नू नेक्स्ट मंडे दा इना नू 11 बजे दा उत्थे सीएम ऑफिस का टाइम दिता गया सीएम साहब ने मिले टाइम मिले जी उत्थे अपनी मंग पत्र इन्हों का चला जाएगा उस मुताबिक जो भी गल करेंगे इन्हों दी मंगा होणगियां वो रखणगे उत्थे जो भी होएगा डिस्कस होएगा मैं इस वक्त तो नहीं कमेंट कर सकता। कि टीचर्स की ओर से भी इस बात की तस्दीक की गई कि सीएम ने 2 अप्रैल को मिलने के लिए बुलाया है और उनके सामने अपनी मांग रखकर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। सिविल प्रशासन ते पुलिस प्रशासन वालों एक अधिकारी ने बकायदा माइक ते अनाउंस किया 2 अप्रैल 11 बजे सीएम हाउस दे विच सीएम नाल सांझे अध्यापक मोर्चे की मीटिंग होएगी साडियां मंगां ते होएगी। लुधियाना में बड़ी तादाद में पहुंचे शिक्षकों ने ऐलान किया है कि अगर सीएम से मुलाकात के बाद भी बात नहीं सुनी गई तो टीचर्स का प्रदर्शन और उग्र होगा। अगर वो मीटिंग दे विच कोई सिट्टा नहीं निकलता तो साढ़े कन्वीनर वराज जी हुणे ऐलान करके हटे ने भी असीं फिर मंत्रियों के घराओ भी करांगे ते पटियाले वाल भी कूच करांगे वो फैसला उदन करांगे फिर कड़ी तरीक मिथनी आ हुण 2 तरीक नूं असीं सरकार तों आस रखदे आ भी जिहड़ा ठीक फैसला लैके
अध्यापकों जरा रेगूलर भी करे जी बदलिया की गलत पॉलिसी वापस लैन गए जी रैशनलाइजेशन आ जिद 8009 पोस्टा खत्म होंगे ने वह भी वापस लैन गए और डीए से पे कमीशन बाकी मंगा भी विचार कर। हजारों की तादाद में लुधियाना पहुंचे शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया तो शहर में अफरा तफरी मच गई। अब देखना है सरकार 2 अप्रैल को शिक्षकों से मुलाकात के बाद क्या फैसला लेती है। राजेंद्र अरोड़ा, MH1 न्यूज़, लुधियाना।